हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम इज कंडक्ट बाय यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप लोगों में से बहुत से लोगों का सपना होता है इस एग्जाम को क्रैक करने का। सो इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड इन दिस वीडियो आई विल बेसिकली डिस्कस द एग्जाम पैटर्न और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो, लास्ट तक सभी ने मेरे साथ बने रहना है, ओके? तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में एग्जाम पैटर्न। यूपीएससी इस एग्जाम को थ्री स्टेजेस के अंदर कंडक्ट करता है। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ओके? प्रिलिमिनरी एग्जाम, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एग्जामिनेशन। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाते हैं। डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि आज के क्लास के अंदर मेनली हम प्रिलिम्स के एग्जाम को ही डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, इसके बाद में आ जाता है आपका, अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करते हो, दैट मींस कि फर्स्ट स्टेप से जो सेकेंड स्टेप है दैट इज योर मेंस, देन यू विल गो फॉर द मेंस एग्जाम। एंड मेंस के अंदर आपके टोटल 9 पेपर होते हैं और सभी के सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर है, ओके? मीन्स राइट डाउन है, सारा आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर होगा। तो अगर आप इसको क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको थर्ड राउंड के लिए बुलाया जाता है। थर्ड स्टेज पे आप जाते हो, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट और यू कैन से योर इंटरव्यू राउंड, ओके? तो आप सभी यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। आई होप जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को होनी चाहिए। तो इसी को ही आगे एक्सप्लोर करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस प्रीलिम्स एग्जाम। अब प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर टू पेपर्स इन प्रीलिम्स। फर्स्ट पेपर इज जर्नल एबिलिटी टेस्ट, इसको हम जीएटी भी बोलते हैं, ओके? एंड द सेकंड इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज सीसेट टेस्ट, ओके? अब अगर हम बात करें दोनों पेपर की, तो इसको आपने सुना होगा जर्नल स्टडी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, दोनों सेम डे एग्जाम होते हैं, दोनों के दोनों ही एग्जाम सेम डे होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं और साथ में जो पेपर का मोड रहता है दैट इज ऑफलाइन, मींस कि आपको एक ओएमआर शीट प्रोवाइड की जाएगी और उस ओएमआर शीट के अंदर आपको अपना जो आंसर है वो फिल करना है। तो अब ओएमआर से जब बात ओएमआर शीट की हो रही है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि ओएमआर की सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपका नेम, रोल नंबर, सारा कुछ प्रॉपरली होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि अभी साल भर से आप मेहनत कर रहे हो और एक सिली मिस्टेक लाइफ में हो जाए, तो वो नहीं करनी है। नेगेटिव तो हमने बोलना ही नहीं है, मीन्स की कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके? अब बात करते हैं कि पेपर के अंदर कितने कितने क्वेश्चन होते हैं और किस पेपर के क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जर्नल स्टडीज पेपर 1 की, तो इसके अंदर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, सो टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ओके? सेकेंड होता है आपका जो सीसेट पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 2, अब उसके अंदर टोटल होते हैं 80 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स, अगेन दिस इज ऑफ 200 मार्क्स। डन, अब मार्क्स हमें पता चल गए। अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग पे, तो नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी होती है 1/3, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 1/3 मार्क आपका कट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आप पेपर करते हो तो जब आप आंसर कर रहे हो तो उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो जो कि आपको आते हैं, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना, ओके? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब आप पेपर के अंदर मार्क कर रहे हो क्वेश्चन को, ओएमआर शीट आप जब फिल कर रहे हो, तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको 2 फिल नहीं करने, हाँ जी, 2 मार्क नहीं करने, बिकॉज अगर दोनों में से एक करेक्ट भी है तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग में जाएगा और नेगेटिव मार्किंग में आपका नंबर चला जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना,
ओके हाँ जी। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वो आपका माना जाएगा कि अटेम्प्ट ही नहीं किया हमने, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग में नंबर नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि एक्यूरेसी मैटर्स। ओके क्लियर है सभी को। नेक्स्ट थिंग इज कि जर्नल स्टडीज पेपर वन, जर्नल स्टडीज पेपर वन के अंदर आपके जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आपका हो गया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सारा आपका कवर होता है जर्नल स्टडीज पेपर वन के अंदर। जब आप जर्नल स्टडीज पेपर वन, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी जो कट ऑफ है, एग्जाम की कट ऑफ है, दैट इज प्रिपेयर ऑन द बेस ऑफ जर्नल स्टडीज पेपर वन एग्जाम। ओके जब आपका सेकेंड पेपर है दैट इज सीसेट, सीसेट के अंदर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने को सिर्फ क्वालिफाई करना है, दैट मीन्स कि हमें 33% मार्क्स इसके अंदर लेने होते हैं। किसके अंदर? जनरल स्टडीज पेपर टू के अंदर 33 मार्क्स के रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे ध्यान जो रखना है वो ये है कि बेशक से अपने पास में जो सेकेंड पेपर है, अब देखो अगर आप एग्जाम के लिए इस बार सभी के सभी जो भी स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हाँ जी साल भर से आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, साल भर से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी तक एक बार तो सभी ने सिलेबस कवर कर लिया होगा, एक बार तो सभी ने सिलेबस कवर कर लिया होगा, इसलिए सिलेबस पे मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपने, क्योंकि हमें पता है कि हाँ जी अभी 5 जून को एग्जाम हो जाना है, तो उसके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है वो आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें सी सेट की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने आपको बताया कि हाँ जी जो सी सेट का पेपर है दैट इज पेपर टू, तो उसके लिए भी आपने प्रिपेयर किया होगा, सी सेट के लिए भी आप रेगुलर आई होप प्रिपेयर कर रहे होंगे, बिकॉज जो हमारे माइंड में एक कंसेप्ट बना हुआ है कि इट इज क्वालिफाइंग पेपर, 33% मार्क्स इसके अंदर चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सी सेट का अगर आपने लेवल देखा है पेपर का, पेपर का लेवल देखा है, तो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का अगर आपने एनालिसिस किया है तो पेपर का पैटर्न जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका पैटर्न टोटली चेंज हो गया और पेपर का लेवल आपका ईयर बाय ईयर हार्डर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। मींस कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो सी सेट है, सी सेट की वजह से काफी स्टूडेंट्स इस स्टेज को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रीलिम्स उनका रह जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो, जस्ट गेट आउट दिस पॉइंट फ्रॉम योर माइंड कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, 33% मार्क्स लेने हैं, इतना तो हम कर लेंगे जैसे तैसे करके, 33% मार्क्स तो हम ले लेंगे, डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे, इतनी तो हमारी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, इतना तो हम मैथ भी कर लेंगे, सिर्फ 33% मार्क्स तो लेने। एक्चुअली दिस इज द ट्रैप। आप जैसे ही आपके माइंड में ये वाली बात आती है कि हाँ जी हम कर लेंगे, दैट मीन्स कि एक तरह से वी आर आउट फ्रॉम आउट ऑफ दिस एग्जाम, मीन्स फर्स्ट स्टेज पे ही हम आउट हो गए। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, जब आप पेपर करते हो, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस तरह से आ रहे हैं, जो क्वांट के क्वेश्चन है वो भी लॉजिकल वे में पूछे जा रहे हैं, पेपर का जो लेवल है वो टफर टू टफर होता जा रहा है ईयर बाय। सो अगर आपने अभी तक सी सेट के लिए प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी से ही सी सेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए विद द सेम सिंसियरिटी एज यू प्रिपेयर फॉर द अदर जीएस सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स। ओके और एक ये मान के चलो कि डेली आपने 1 to 2 hours सी सेट पे भी डिवोट करने। ओके नाउ ये चीज अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्वालिफाइंग पेपर है, बिल्कुल निकाल दीजिए और इसको डेली 1 घंटा देना शुरू करो, 1 से 2 घंटे। अगर आपको लगता है कि हाँ जी आप पहले से कर रहे हो तैयारी तो 1 घंटा सफिशियंट है, अदरवाइज 2 hours आप इसको डिवोट करने ही करने हैं आप लोगों ने। ओके नाउ द सेकंड थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस,
बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो तो मैं कहती हूँ कि 7 to 8 ईयर्स के आपने प्रीवियस ईयर कम से कम देखने ही देखने हैं, एनालाइज उनको करना ही है। बिकॉज देखो, और जब एनालाइज करो तो कैसे एनालाइज करना है कि पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। पहले कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे, अभी किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ओके? और किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, डन। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते थे तो उसमें क्या होता था, एक कॉम्प्रिहेंशन है उस पर 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए। बट अभी आजकल ऐसा नहीं है, पैटर्न टोटली चेंज हो गया है। क्या हो रहा है कि एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के ऊपर 1 to 2 क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, एक पैरा एक क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन वो भी कैसे आ रहे हैं, हाँ जी, इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कंक्लूजन फाइंड आउट करो, टोन ऑफ पैसेज क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आपने जैसा आजकल पैटर्न है क्वेश्चन का, उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर हम क्वांट की बात करते हैं, सीसेट के अंदर अगर हम क्वांट की ही बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले डायरेक्ट इनलाइन आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते होते थे, बट आजकल क्या हो रहा है, क्वांट के अंदर भी लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले नंबर सिस्टम में से 2 या 3 क्वेश्चन आते थे, अभी आजकल क्या और 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 13-14 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सिस्टम। तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम वे अगर हम जीएस की बात करें तो पॉलिटी में से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, साथ साथ में जैसे पॉलिटी है काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमने प्रिपेयर करना है। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चंस एग्जाम में कम आ रहे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से भी करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। सो आपने प्रीवियस ईयर के 7 to 8 ईयर्स के, मिनिमम 7 to 8 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करना है अच्छे से, ओके, क्लियर। तो और साथ में, हाँ जी, वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि न्यूज़पेपर किसी भी दिन स्किप नहीं करना, न्यूज़पेपर की कोई भी न्यूज स्किप नहीं करनी है। और न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है, ऐसे रीड नहीं करना कि हाँ जी आप रीड कर रहे हो जस्ट, नहीं, आपने क्या करना है, जब न्यूज़पेपर को रीड करते हो तो एक एक न्यूज को ऐसे देखो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, इसमें से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ओके? तो न्यूज़पेपर एक से दो न्यूज़पेपर, अगर एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर हो सकता है, अगर आपके टाइम पा है, दे सकते हो टाइम, तो दो न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे हिंदूज हो गया, साथ में आपने एक दूसरा न्यूज़पेपर साथ में फॉलो कर लिया, क्लियर। तो सो आई होप प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंस सभी को पता चल गया। साथ में ही ना, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं तो उस केस के अंदर हमने ध्यान रखना है कि हमारे वीकर सेक्शन कौन से हैं। अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल देखा कि भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि हाँ जी मुझे मैथ्स में दिक्कत आ रही है, तो मैं मैथ्स के अंदर भी मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, या आप कहते हैं कि हाँ जी पॉलिटी के अंदर मुझे प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट करेंगे, डन। क्योंकि आज जो वीकर सेक्शन, अभी आप लोगों के पास टाइम है, ऑलमोस्ट आपके पास 100 डेज हैं अभी इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो जो आपके वीकर सेक्शन है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करो कि यहाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ना कि हाँ जी आगे आगे अपना पढ़े जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। आपने क्या करना है, पहले अपने वीकर सेक्शन को फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू कवर अप दैट पार्ट, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास में मॉक टेस्ट। आई होप अभी तक सभी ने एक बार पूरे का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो उसके बाद में अभी मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा कर सकते हो आप कि हाँ जी 2 दिन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे उठा लिया हमने, तो उसके ऊपर प्रिपेयर कर लिया, और उसके बाद जो टॉपिक टेस्ट है वो भी आप अटेम्प्ट करो उस पर्टिकुलर
सब्जेक्ट के, ठीक है, सेक्शनल जो टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट करो। उसके बाद में जब आपको लगता है कि हाँ जी मेरा पूरा सिलेबस कवर है, तो उसके बाद में आपने फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, मॉक टेस्ट जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने। एंड द सेकेंड थिंग कि मॉक टेस्ट को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है कि हाँ जी पेपर कर लिया छुट्टी, हाँ जी इतने मार्क्स आ गए, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसे, उसके बाद में सेकंड मॉक टेस्ट पे आप आ गए, नहीं ऐसे नहीं करना। जब आप एक पर्टिकुलर मॉक देते हो तो उस केस के अंदर आपने देखना है कि हाँ जी मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आई है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और इस बार मुझसे अभी ये नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं एग्जाम के अंदर, क्लियर। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसका रिव्यू लेना है आपने अच्छे से, और ध्यान रखना है कि अगर उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, सो मॉक टेस्ट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस, तो अभी ने मॉक टेस्ट जरूर लगाने। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रिविजन। नाउ इट इज रिविजन टाइम। अभी मैंने अभी भी आप लोगों को कहा कि हाँ जी अभी तक सिलेबस हो गया होगा, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट सभी साल भर दो साल भर से तैयारियां शुरू कर देते हैं कि हाँ जी हमने पेपर देना है, तो अभी रिवीजन का टाइम है। सो अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ जी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमने इसी टॉपिक को पढ़ना है, रिवीजन करनी है, अपने नोट्स बना के उनको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए। सिर्फ कंटेंट बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, आपको साथ में उस कंटेंट को अपने माइंड में भी रखना है, इसलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो मस्ट है आप लोगों के लिए। एंड नाउ आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वाइल प्रिपेयरिंग क्या होनी चाहिए। तो अब सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज कि अगर मैं कहूँ कि हाँ जी ये स्ट्रेटर्जी आप फॉलो कर लो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये स्ट्रेटर्जी अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेटर्जीज होती हैं। सो फर्स्ट थिंग कीप इन योर माइंड कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, एंड दैट इज द प्राइम स्ट्रेटर्जी ऑफ सक्सेस। सेकेंड, डोंट ट्रीट स्टडी एज ए बर्डन, बर्डन की तरह नहीं लेके चलना कि हरे पेपर है अब क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, इंजॉय करो अपनी स्टडीज को, इंजॉय करो, ठीक है, मजा आना चाहिए पढ़ने में। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है दैट मीन्स कि आपका पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है, पढ़ने में अगर मजा आता है तो पेपर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बी पॉजिटिव कि हाँ जी पेपर मेरा क्लियर हो जाएगा। हाँ अगर पढ़ना एक बर्डन लगता है फिर छोड़ दो कि हाँ जी आस ही छोड़ दो आपके, हाँ जी मेरा यूपीएससी का पेपर हो जाएगा। सो ध्यान रखो कि डोंट ट्रीट स्टडी एज ए बर्डन, प्लीज इंजॉय योर स्टडीज, कोशिश करो कि हाँ जी कैसे हम इसको स्टडी को लेके हाँ जी हमें मजा आए इस पर्टिकुलर थिंग को पढ़ने के लिए। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी ऑब्जर्वेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स, द रियल वर्ल्ड एंड स्टडीज आर नॉट म्यूचुअली डिफरेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, दे आर एन एक्सटेंशन टू ईच अदर। Try to observe things and link them with your studies. अब जैसे पर्टिकुलर कोई भी आप कुछ भी आप सराउंडिंग्स में देख रहे हो तो उसको अपनी स्टडी के साथ में लिंक करो, जैसे कि साइंस एंड टेक से आप रिलेट कर सकते हो, पॉलिटी के अंदर कभी क्या चल रहा है उसको अपनी स्टडी के साथ रिलेट करो, तो इस तरह से आपने अपनी स्टडी के साथ में उसको रिलेट करके चलो, क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, आप ये कह लो कि रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, तो आपने क्या करना है अपनी सराउंडिंग्स के साथ में अपनी स्टडी को रिलेट कर लेना। ओके, सो अगर आप लोगों को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, या कुछ आपका ब्रेन में पॉजिटिविटी आई है इस वीडियो के बाद में, तो उसके लिए आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, दैट इज www.abhipedia.abhimanyu.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी के लिंक्स अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड अदर लिंक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार सभी ने एक्सप्लोर करना। सो बने रहिए अभिपीडिया के साथ, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।